डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे दूसरे पार्ट के स्टैट्स में। जो पहला 17 चैप्टर हमारा आधा हम लोगों ने पढ़ा था, आधा बचा हुआ है, जिसमें पहली हेडिंग है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या कहता है स्कोप का? मतलब ये होता है कि स्टैटिस्टिक्स कहाँ तक फैला है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, किस किस फील्ड में इसका यूज़ करते हैं, ये इसका स्कोप है। हम बात करते हैं अब चैप्टर से। स्टैटिस्टिक्स प्रिवेड्स ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ अराउंड अस। इट हैज़ बिकम एन इंडिस्पेंसेबल टूल फॉर ड्राइविंग कंक्लूजन एंड मेकिंग डिसीजंस इन वेरियस फील्ड। सिंस द यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स मेक्स आवर नॉलेज मोर प्रीसियस, द यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज बीइंग स्प्रेड टू ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडी। स्टैटिस्टिक्स प्रिवेड ऑल फील्ड ऑफ लाइफ। हमारे चारों ओर जो भी लाइफ में हम लोग घटित होता है, जो कुछ भी हम लोग देखते हैं, वहाँ हर चीज़ स्टैट्स का कैलकुलेशन होता है और उसके आधार पे ये सारी चीज़ें हम देख पाते हैं। स्टैट हैज़ बिकम इंडिस्पेंसेबल टूल। बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है, इंपॉर्टेंट टूल है, जिसके वजह से हम लोग कंक्लूजन कर पाते हैं और किसी अच्छे डिसीजन पे, सही डिसीजन पे वेरियस फील्ड में पहुँच पाते हैं। स्टैट्स के आधार पर लिए गए डिसीजन नॉलेजेस बहुत प्रीसियस होते हैं और इसका ऑल फील्ड में स्प्रेड हुआ है। स्टडी का जितना भी पार्ट है, जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं, उन हर जगहों पे स्टैट्स आता है। स्टैटिकल मेथड्स इनेबल अस टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम अ वास्ट वैरायटी ऑफ डेटा। अगर हमारे पास बहुत वास्ट वैरायटी ऑफ डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है, ग्रुप ऑफ डेटा है, तो उस पर हम उसके मेथड्स के कैलकुलेशन के हिसाब से एक सही डिसीजन, सही कंक्लूजन लेने में सक्षम हो जाते हैं। वी कैन स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस आस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट है वेरियस, उसके आस्पेक्ट को हम लोग रिलेट करके एक दूसरे से बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड हाइट बाय स्टडिंग डेटा ऑन द एज एंड हाइट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। Although statistics was used in its early phase to deal with the affairs of state, the scope of statistics has now spread to agriculture. अगर हम अर्ली एज में देखें तो किसी भी राज्य को चलाने के लिए, उसके अफेयर्स को देखने के लिए भी स्टैट्स की ज़रूरत पड़ती थी। आज अगर हम बात करें तो आज स्टैट्स कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो एग्रीकल्चर फील्ड, बायोलॉजी, बिजनेस, केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल, फिजिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड न्यूमेरस अदर फील्ड्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इतनी जगहों पे स्टैट्स फैला हुआ है। However, in this book, we are concerned with application of statistical methods in the field of economics. हमारे economics में कौन कौन से economic और statistical tool का use होता है, उसके application के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। अब बात करते हैं importance of statistics in economics. इकोनॉमिक्स में stats का क्या importance है? Importance से मतलब यहाँ ज़रूरत से भी है। तो इम्पॉर्टेंस है मतलब नेसेसिटी, व्हाई इट इज़ नेसेसरी इन इकोनॉमिक्स, व्हाई वी वांट टू रीड इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो पहली बात निकल के आती है अंडरस्टैंडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। हम इकोनॉमी के परफॉर्मेंस को कैसे अंडरस्टैंड करें, हमारी इकोनॉमी अच्छी जा रही है, नहीं जा रही है, हम डाउन जा रहे हैं, कैसे पता करेंगे? जब हम किसी डेटा से कंपेयर करेंगे। आप कहते हो कि सर डॉलर 70 रुपये का है और हमारा एक रुपया बराबर 70 रुपये, सर कैसे? तो आप देखिए, आप कंपेयर कर रहे हैं कि एक डॉलर सत्तर रुपये के बराबर, यानी अगर हमको $1 लेना है तो 70 रुपये पे करना पड़ेगा। तो ये कैसे हो रहा है, ये कंपेयर कर रहे हो तब? और इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी इकोनॉमी उतनी डेवलप नहीं है जितनी कि उनकी है। अगर हमारी इकोनॉमी डेवलप होती तो हम शायद उनके पैसे को ना ख़रीद रहे होते, उनके करेंसीज़ को हम ना ख़रीद रहे होते, अपनी करेंसी हम हर जगह चलाते, लेकिन शायद हम डेवलप नहीं हैं इसलिए हमारी करेंसी की वैल्यू कम है। तो ये कैसे आपने पता करा? यहाँ पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस इम्पॉर्टेंट डेटा फॉर कंपेयरिंग the performance of economy with itself over time and with other economies. In this respect, the statistics of aggregate production
एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, लेवल ऑफ प्राइस एक्सेट्रा इज़ वेरी यूज़फुल। अब हम कैसे दो इकोनॉमी को कंपेयर करते हैं, तो हम कंपेयर कर सकते हैं एग्रीगेट प्रोडक्शन के आधार पर कि वहाँ कितना प्रोडक्शन होता है, हमारे यहाँ कितना होता है। अगर वहाँ ज़्यादा होता है तो वो इकोनॉमी हमसे ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रही है, डेवलप कर रही है। एम्प्लॉयमेंट, अगर वहाँ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हमारे यहाँ कम है तो हम कहेंगे वो इकोनॉमी ज़्यादा बेहतर है। नेशनल इनकम वहाँ अगर ज़्यादा हमारे यहाँ कम है तो भी हम कहेंगे वो इकोनॉमी ज़्यादा अच्छा है। और प्राइस लेवल अगर उनके यहाँ कम है, कम क्यों है, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा है उनके पास, सप्लाई ज़्यादा है, और हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम है जिसकी वजह से प्राइस ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि अगर प्राइस लेवल कहीं कम है तो उसका मतलब वो इकोनॉमी ज़्यादा डेवलप्ड है। तो इस तरीके से हम किसी भी इकोनॉमी का परफॉर्मेंस जान सकते हैं अगर हमारे पास डेटा और स्टैट्स अवेलेबल है तो।